नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही अद्भुत टाइप का गणित। जी हां दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले से बोल देता हूं, इस वीडियो को कम से कम 3 मिनट शुरुआत में जरूर देख लीजिएगा ताकि इस प्रश्न के शर्त आपको समझ आ जाए, क्योंकि इस प्रश्न में ना शर्त जो है हर स्टेप में बदल जाता है और ये जो शर्त हो है ना उसके आधार पर आपको गणित के जो उत्तर देने हैं गणितीय विधि से हल करके। जी हां दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग तुक्का मार के भी दे सकते हैं या फिर थॉट विधि से भी हल करके दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको गणितीय विधि से हल करें, बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, इस गणित को मैं बताने वाला हूं ना वो तरीका बिल्कुल अलग टाइप का है। यहां पर मैंने लिख रखा है उल्टा गणित, मतलब मैं इसको उल्टे तरीके से हल करूंगा। और ये प्रश्न मुझे भेजा है सुशील यादव जी ने। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा भी, तो पहले मैं आपको इस प्रश्न के शर्त ही बताता हूं और इस प्रश्न के उत्तर भी मुझे भेजा है और उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह के द्वारा इसका उत्तर भेजा भी गया है लेकिन वो थॉट विधि द्वारा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ना वो गणितीय विधि से हल करके बताऊंगा, अद्भुत गणितीय व्याख्या है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पहले 3 मिनट तो जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे हमारे पास 4 मंजिला घर है, ठीक है, 4 मंजिला घर है, तो यहां पर देखिए मैंने पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल लिख लिया। जब बराती आया, ध्यान दीजिए, अब बराती सुन के ये मत सोचना कि इसमें पुराने शर्त लगेंगे, अद्भुत टाइप का शर्त है। बराती जब आता है तो इसमें बराती कुछ आए, कुछ बराती इसमें आए, कुछ बराती इसमें आए, कुछ बराती इसमें आए, मतलब चौथे मंजिल पर बरातियों की संख्या जब अधिक हो गई तो ये सभी मंजिल के लोगों ने नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब बरातियों की संख्या अधिक हो गई चौथे मंजिल में, तो केवल तीसरे मंजिल के बरातियों ने कहा कि हम में जितने बराती हैं उतने बराती आप लोग आ जाओ, दूसरे और तीसरे मंजिल के बराती ने बिल्कुल भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है, जब चौथे मंजिल में बरातियों की संख्या अधिक हो गई तो यहां से बुलाया गया तीसरे मंजिल वालों ने, तीसरे मंजिल के बरातियों ने कहा इसमें जितने हैं तीसरे मंजिल में जितने बराती होंगे उतने बराती यहां पर आ जाओ, तो निश्चित रूप से यहां पर बरातियों की संख्या अब अधिक हो गई। अब यहां पर जब बरातियों की संख्या अधिक हो गई तो तीसरे मंजिल वाले ने चौथे मंजिल वाले से नहीं कहा, इसने केवल दूसरे मंजिल वाले से कहा कि हम लोग अधिक हो गए हैं। जब इनसे कहा तो केवल इसी ने कहा कि हम में जितने बराती हैं उतने बराती आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से आ सकते हो। तो तीसरे मंजिल के जितने बराती, मतलब कुछ बराती जो दूसरे मंजिल में आए वो उतने ही आए जितना दूसरे मंजिल में पहले से थे। अब जब दूसरे मंजिल में बरातियों की संख्या अधिक हो गई तो इसने कहा, पहले मंजिल में वाले ने कहा, इसने इसको बताया, केवल तीसरे और चौथे वाले मंजिल को बताया ही नहीं, ऊपर का काम खत्म। ये दूसरा मंजिल केवल तीसरे मंजिल वाले को कहता है कि भाई हम लोग अधिक हो गए हैं अब क्या करें, तो पहले मंजिल वाले ने कहा कि हम में जितने बराती हैं उतने बराती दूसरे मंजिल से इसमें आ जाओ। तो ऐसा करने से सभी मंजिल में है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे मंजिल में बरातियों की संख्या बराबर हो गई। अब आपको 3 प्रश्न के उत्तर देना है और इसको कॉपी पेंसिल लेकर गणितीय विधि से हल करने का कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। हो सकता है थोड़ा माथा पच्ची करना जरूर पड़े, लेकिन अब आप इस प्रश्न को पूरा देखना चाहते तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उल्टा विधि में बताने वाला हूं, बहुत ही मजेदार है और आपको इसका उत्तर पता है। तो वीडियो को यहीं रोकिए और मुझे कमेंट करके बताइए 3 प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से। तो शुरुआत में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल में कितने कितने बराती थे ये आपको कमेंट करना है, और टोटल कुल कितने बराती हैं ये भी कमेंट करना है, और बराबर बंटवारा होने के बाद लास्ट में सभी में जब बराबर बराती हो गए तो कितने कितने बराती होंगे। ध्यान दीजिए, आपको बरातियों की संख्या न्यूनतम बतानी है, कम से कम बतानी है इस शर्त के आधार पर, अन्यथा इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, मैं मुझे जो कमेंट किया है ये सुशील यादव जी है, इनके कमेंट आप देख सकते हैं, इसने बहुत लंबा चौड़ा इस प्रश्न को पूरा लिख कर भेजा है। तो सबसे पहले तो सुशील यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रश्न के उत्तर भेजा है उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, उल्टा विधि से हल करते हैं, तो बहुत ही मजेदार है। तो आइए हम क्या करते हैं, उल्टा विधि मतलब हम नीचे से हल करेंगे। यहां पर तो हम क्या करेंगे, यहां पर बरातियों की संख्या को x मानते हैं, यहां पर बरातियों की संख्या को y मानते हैं, यहां पर बरातियों की संख्या को z मानते हैं, और यहां पर हम बरातियों की संख्या, यहां पर तो x, y, z के बाद उधर कोई संख्या है नहीं, तो यहां पर मैं अपने नाम का प्रथम अक्षर को लिख देता हूं k। यहां पर बरातियों की संख्या क्या है, k है। भाई अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा ना कि हम इसको उल्टा विधि से बनाने वाले हैं। अब देखिए, हमको कहा गया है कि हर मंजिल में
उतने ही बाराती आते हैं जितना उस मंजिल में पहले से रहता है। अब हम उल्टा विधि देखिए, उल्टा विधि गणित को नीचे से बना रहे हैं हम लोग, ऊपर से तो नहीं बना रहे। हालांकि सबसे अधिक बारातियों की संख्या किसमें है, चार नंबर में है, तो हम जो गणित बनाएंगे उसके आधार पर सबसे शुरुआत में इसमें अधिक बाराती की संख्या आना चाहिए। तो हमें शर्त क्या पता है कि हर मंजिल में उतने ही बाराती आते हैं जितना उस मंजिल में पहले से है। तो भाई पहले मंजिल में कितने बाराती हैं, यहां पर एक्स बाराती है, तो इसमें एक्स बाराती और आएगा तब इसमें कितने बाराती हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तब इसमें हो जाएंगे, मैं इसको रेड कलर में लिख देता हूं, यहां पर हो जाएंगे 2x बाराती, इतने बाराती हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है इसमें कहीं से और बाराती नहीं आता है, मतलब ये हमारे गणित को बनाने में हेल्प करेगा क्योंकि प्रत्येक मंजिल में इतने ही बाराती होने चाहिए बंटवारा होने के बाद। लेकिन यहां पर देखिए इसमें आपको बहुत ध्यान से गणित बनाना है, बहुत अच्छा है, उल्टा विधि है, देखिएगा यहां पर क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इसमें एक्स बाराती आए, वो एक्स बाराती कहां से आई है ध्यान देना है, वो एक्स बाराती जो है ना यहां से आए हैं, मतलब आपको क्या करना है इस वाई में से, ध्यान दीजिएगा इसको मैं हल कर रहा हूं, यहां से एक्स, इसमें एक्स आया है मतलब ये यहीं से आया है, तो माइनस एक्स तो यहीं से होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस एक्स कब करे हैं, जब ध्यान दीजिए जब इसमें y आया है, कहा गया ना तीसरे मंजिल से इसमें उतने ही बाराती आए जितना इसमें था, तो इसमें पहले से कितना था y, तो यहां से y बाराती ही आया है, मतलब y बाराती इसमें और जुड़ेगा, तो टोटल इसमें बारातियों की संख्या कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हो जाएगा 2y और माइनस x। ऐसा करने के बाद हो क्या रहा है, कहा गया है ना लास्ट में सब में बारातियों की संख्या बराबर हो गई, मतलब सब में बारातियों की संख्या तो इतना ही होना चाहिए, इसका मतलब इस शर्त के आधार पर ये जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 2x के बराबर होना चाहिए। अब जब ये 2x के बराबर होगा इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर तो 2y होगा, ठीक है 2y होगा, और ये जब पक्षांतर जाएगा 1x जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 3x होगा। इसका मतलब यहां पर हमें y का जो मान मिल रहा है इसको हम रेड कलर में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो y बराबर कितना हो रहा है 3/2 और ये हो रहा है x। ठीक है, तो दूसरे मंजिल में बारातियों की संख्या इतना हो रहा है y का मान। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरे में आते हैं, अब तीसरे मंजिल से क्या किया गया है, तीसरे मंजिल से सबसे पहले तो y निकाला गया है, लेकिन y निकालने से पहले चौथे मंजिल से कितने बाराती यहां पर आए, आपको पता है इसमें जितने बाराती हैं जैसे z है तो z बाराती ही इस मंजिल में आए हैं और आने के बाद ही निकाला गया है, कितना निकाला गया है, इसमें y है तो y निकालेंगे, तो यहां पर y बाराती निकाला गया है, माइनस किया गया है। अब ऐसा करने के बाद इसका जो उत्तर है वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए ये जो है जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2z हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए y का मान इतना है तो इस y के मान को हम यहां रखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 3/2x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर ही होगा, तो यहां पर भी कितना आएगा 2x आएगा। अब इसको जब आप हल करोगे तो ये 3x माइनस इधर जाके पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें यहां पर z का मान जो हम निकालेंगे, देखिए मैं इसको हल कर रहा हूं, z का जो मान निकलेगा 2z निकलेगा, एक्चुअल में 2z ही लिख लेते हैं, 2z बराबर ये पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2x तो पहले से है, अब यहां पर ये कितना जाएगा 3/2 और x, इनको हल करोगे तो बटे एक होगा, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, और 4 में क्या करेंगे, 4x में आपको 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मैं इसको पूरा लिख देता हूं, तो यहां पर हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कितना रहा है, 7x/2। ठीक है, इसको मैं रेड कलर में ही लिख देता हूं। ठीक है, 7x/2 तो यहां पर आया, लेकिन आपको मान किसका निकालना है, एक्चुअल में जेड का निकालना है, तो भाई ये 2 इधर भी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, गुना 2 भी हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो यहां पर आपको एक प्रश्न मिल गया है कि इसका उत्तर वास्तव में फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, 7/4 और x, इसको मैं पूरा रेड में लिख देता हूं, ये देखिए 7x/4 होगा क्योंकि यहां पर 2 इधर जाके नीचे में गुना भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से क्या हुआ है, यहां पर तो केवल निकाला गया है, कितना निकाला गया है, यहां पर केवल z को निकाला गया है, और z को निकालने के बाद इसका मान भी किसके बराबर होगा, ये 2x के बराबर ही होगा, सभी जो है 2x के बराबर ही हो रहा है, देख लीजिए यहां पर भी हमने 2x के बराबर किया था, यहां पर भी 2x के ही बराबर किए थे। अब यहां पर देखिए इसको हम अगर 2x के बराबर करें, उससे पहले हम z का मान रख लेते हैं, तो यहां पर k का जो मान है, z का मान कितना आया था, यहां पर देखिए
सात बटे चार एक्स बराबर, ये भी किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। जब ये पक्षांतर होगा तो यहां पर k का जो मान है, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं k का मान निकाल रहा हूं, इसमें तो कोई गुना नहीं है, ये इधर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7 बाई 4 और ये x, इनको जब आप हल करेंगे तो ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8x में आपको 7x को जोड़ना है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, मतलब इसको मैं यहीं पर हल कर देता हूं पूरा, एक कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 15x बटे 4, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रश्न है इसको मैं रेड में लिख देता हूं ताकि हम इसको आसानी से समझ सके, देखिए 15/4x। अब देखिए यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं रेड कलर में घोल घेर देता हूं, अब हमें किन किन संख्याओं से मतलब है, हमें इससे मतलब है पहले मंजिल में, दूसरा मंजिल में इससे मतलब है, तीसरे मंजिल में इससे मतलब है और चौथे मंजिल में इससे मतलब है, बाकी सबको हम मिटा सकते हैं। तो बाकी सबको मैं आपके सामने मिटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, बस मैं जो शुरू में माने थे उसको रख लेते हैं, ये देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, बाकी शर्तों को हम हल करने के लिए यहां पर मिटा रहे हैं, ठीक है, इतने को हम मिटा देते हैं। अब हमें जो उत्तर मिला है, जो बच गया है वो मान है। अब भाई तो पहले दूसरे तीसरे मंजिल में कितने बराती हैं, बहुत ही सरल है, देखिए पहले सभी मंजिलों में बरातियों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये जो उत्तर आया है ये बंटवारा होने के बाद नहीं है, यहां पर देखिए केवल के का मान आया है मतलब शुरुआत वाले मान है, यहां पर केवल जेड का मान है मतलब ये भी क्या है, शुरुआत वाले मान है, और यहां पर केवल वाई का मान है ये भी शुरुआत वाले मान है, और यहां पर जो मान है वो 2x है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो मान है वो x होना चाहिए। अब इन सभी में क्या करना है, इस प्रकार के शर्त लगाना, ध्यान दीजिए ये जो संख्या k का मान दिख रहा है वो किसकी संख्या है, ध्यान दीजिए बरातियों की संख्या है, बराती मतलब आदमी है, अब भाई आदमी है तो आदमियों की संख्या आधा तो होगा नहीं, दशमलव में होगा नहीं, पूर्णांक में ही होगा, इसका मतलब यह है यहां पर जो आपको x दिख रहा है इसमें x के ऐसे मान आपको रखने हैं जिससे ये जो समीकरण है उसमें सभी में मान जो है किसमें आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, बिल्कुल भी दशमलव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आदमी तो पूरा ही बरात जाएगा, आधा तो जाएगा नहीं। तो यहां पर देखिए x के ऐसे मान आप संतुष्ट करिए इन सभी में कि इनका मान जो है क्या हो, पूर्णांक आ जाए। ध्यान दीजिएगा यहां पर आप एक रख सकते हैं, चलो आप x का मान एक रखेंगे तो यहीं पर कैंसिल हो गया, क्योंकि जैसे ही एक रखेंगे तो ये दशमलव में आएगा, दो रखेंगे तो यहां पर तो ठीक है, चलो दो रखेंगे तो यहां पर दो दूनी चार एक बटे दो आएगा ही तो दशमलव में ही आएगा, तीन रखेंगे तो दशमलव में आएगा, कुल मिला के एक्स का मान यदि आप चार रखते हैं, यहां पर देखिए अगर मैं एक्स का मान कितना रखूं, चार रखूं, अब चार मैं कहां रखूं, ये मान कब है, ध्यान दीजिएगा ये मान जो है बरातियों के वितरण होने के बाद है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो उत्तर बता देगा। यहां पर हम यदि क्या मानते हैं, एक्स का मान आठ मान सॉरी कितना मानते हैं, चार मानते हैं, देखिए एक्स का मान कितना मानते हैं, चार मानते हैं, तो इसमें एक्स का मान मैं रखूं तो ध्यान दीजिएगा के का मान कितना आएगा, एक्स का मान मुझे कितना रखना है, चार रखना है, तो चार रखूंगा, चार और चार कट गया तो यहां पर कितना आ गया, 15। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, केवल मान को रख देता हूं ताकि आपको मैं अभी इसको पूरा प्रूफ करके ही बताऊंगा। तो इसमें बरातियों की संख्या कितना हो गया, 15 हो गया, और ये शुरुआती है, ठीक है। तो जेड में कितना हो जाएगा, जेड में क्या करेंगे, यहां पर एक्स का मान रखेंगे तो यहां पर आपका मान कितना था, देखिएगा 7/4 था और एक्स था, एक्स का मान कितना रख रहे हो आप, चार रख रहे हो, चार और चार यहां पर भी कट गया, तो कितना बचा, केवल यहां पर आ रहा है केवल 7 बराती, ठीक है। यहां पर देखिए वाई का मान निकालना है, यहां पर एक्स का मान चार रखना है, यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहां पर 3/2 कर रहे हैं और एक्स का मान कितना कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, तो दो दूनी चार और तीन दूनी छह, तो यहां पर बरातियों की संख्या कितना हो रहा है, छह हो रहा है। अब यहां पर बरातियों की संख्या कितना हो रहा है, चार ही हो रहा है, तो यहां पर तो हम चार ही लिख देते हैं। और ध्यान दीजिए ये जो है बरातियों की संख्या ना शुरुआत में है, जब बरातियों का बंटवारा नहीं हुआ था, जब चौथे मंजिल में बरातियों की संख्या सबसे अधिक हो गई। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सूत्र बड़े ही शानदार सूत्र प्राप्त हुआ है, इसमें आप अधिक संख्या भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि यहां पर x के बराबर यदि आप 8 रख दें तब भी उत्तर सही हो जाएगा, उसी प्रकार इसको आप बढ़ाते जा सकते हैं, इसका उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था छोटा मान बताना है। अब देखिए क्या ये उत्तर सही है, ये तो समझ आ गया है, अगर आप यहां पर वितरण होने के बाद इसमें बरातियों की संख्या निकालना चाहें तो x का मान आप क्या रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे, तो पहले मंजिल में इनका जो मान है वो टोटल कितना हो गया, गुणी 4 मतलब बरातियों की संख्या 8 हो रहा है, कब, बंटवारा होने के बाद, तो सभी मंजिल में बरातियों की संख्या 8 होना चाहिए, कैसे, देखिए यहां पर क्या करना है, इसने कहा तीसरे मंजिल वाले ने कहा कि हम में जितने बराती हैं तो इसमें कितने हैं 7, उतने ही बराती कहां जाएंगे, इसमें आएंगे तो इसमें से 7 माइनस करेंगे भाई, तो 15 में
सात माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, आठ बराती ही बचेंगे। अब यहां पर सात बराती और आए, जबकि सात पहले से थे और सात और आ रहे हैं, तो कितना हो रहा है, चौदह बराती हो गए। चौदह में से तीसरे मंजिल वाले ने कहा, सॉरी दूसरे मंजिल वाले ने कहा कि छह बराती आ जाओ, तो छह तो इसमें आ गए, तो छह दुनी बारह इसमें हो गए, लेकिन यहां से कितना माइनस हुआ, छह। अब चौदह में छह करेंगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, आठ बराती हो जाएंगे। अब यहां पर बराती कितने हो गए, बारह, यहां से कितने माइनस होगा, जितना इसमें है, इसमें कितने थे, चार, और चार में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, चार ही माइनस करेंगे, तो यहां पर भी कितने हो जाएंगे, आठ बराती हो जाएंगे। और यहां पर देखिए, जब चार बराती इसमें आएगा तो चार में आपको चार को जोड़ना, तो यहां पर भी कितने बराती होंगे, आठ होंगे। जी हां दोस्तों, और ऐसा ही उत्तर मुझे भेजा है विजय सिंह जी ने, यहां पर आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो ये था एक गणित का उल्टा विधि, और मैंने इसको गणितीय विधि से हल करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में गणित के दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।